नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसान आंदोलन के नाम पर पहले खूब राजनीति चमकाई गई थी, लोगों को भी इस आंदोलन का खूब साथ मिला और अब यही आंदोलन और कथित किसान लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। मां भारती के नाम पर हो हल्ला काटने वाले ये कथित किसान मां बहनों की इज्जत के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि टिकरी बॉर्डर पर एक लड़की के साथ रेप किया गया था। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अगला मामला सामने आ गया। जी हाँ, दिल्ली हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में धरना देकर बैठे आंदोलनकारियों के हिंसक व्यवहार को लेकर सोमवार को सिरसा गांव में आपस भर में दर्जन भर गांव के लोगों की पंचायत हुई। कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर 7 महीने से आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारी जीटी रोड और आसपास के गांव को जाने वाले रास्ते को बंद करके बैठे हैं। इसके कारण आसपास के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसका विरोध करने पर आंदोलनकारी हिंसा पर उतारू हो गए। 2 दिन पहले ही सिरसा के ग्रामीण पर जानलेवा हमला करने को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार को पंचायत की, जिसमें आसपास के दर्जन भर गांव के लोग भी शामिल थे। लोगों का कहना है कि किसान आंदोलनकारियों की जाति की वजह से गांव की ही बहु बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पंचायत में निर्णय लिया गया कि 20 जून को होने वाली महापंचायत के अलावा रोड खुलवाने की मांग को लेकर जल्दी ही ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा। आपको बता दें, सिरसा गांव के रामनिवास पर शनिवार को अपने घर जाने के दौरान बैरिकेड्स के बगल से गाड़ी निकालने को लेकर आंदोलनकारियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। उन्होंने करीब 200 मीटर दूर जाकर किसी तरह अपनी दुकान में छुपकर जान बचाई थी। ग्रामीणों पर हमले का ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी आंदोलन में शामिल लोगों ने ग्रामीणों को तलवार से हमला किया था। आंदोलनकारियों की मनमानी और जीटी रोड के साथ ही आसपास के गांव में जाने वाले रास्ते को बंद करने से परेशानी झेलनी पड़ रही है। पंचायत में TI निवासी रामपाल सरोवा ने बताया कि आंदोलनकारी द्वारा जीटी रोड बंद करने के कारण क्षेत्र के उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं। उद्योगपति पलायन कर रहे हैं। दिल्ली में कोचिंग करने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। यहां तक कि इनके बीच हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। 20 जून की महापंचायत में इन सब बातों को ध्यान में रखकर जल्द ही जल्द रोड खाली कराने का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले टिकरी बॉर्डर पर जिस युवती से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया वह दूसरी बार आंदोलन में शामिल होने के लिए टिकरी बॉर्डर पर आई थी। टिकरी बॉर्डर पर दूसरी युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाना न सिर्फ किसान आंदोलन को संचालित कर रहे किसान संगठनों के नेताओं पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि इससे अन्नदाता कहे जाने वाले किसान भी बदनाम हो रहे हैं। वहीं इससे पहले टिकरी बॉर्डर पर भी जारी किसान आंदोलन में शामिल होने आई पश्चिम बंगाल की एक युवती की 30 अप्रैल को टिकरी बॉर्डर के ही एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। बताया जा रहा है कि युवती कोरोना वायरस से संक्रमित थी। इसका बाद में पता चला था कि उस युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसमें 2 महिलाओं समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं युवती के पिता ने दावा किया था कि उनकी बेटी का रेप किया गया था। उस मामले में मुख्य आरोपी अनिल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन की आड़ में ये लोग दंगा फैलाने वाले लोग हैं, जो अब गांव के लोग, बेटी हो गई या फिर जो कोचिंग जाने वाले बच्चे हैं, सबको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।